हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल दीपिका ब्यूटी सीक्रेट चैनल। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की जो कटिंग है बहुत ही ब्यूटीफुल कटिंग है, तो ये वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना एंड कमेंट में बताना कि कैसा लगा। आप देख सकते हैं इनके हेयर बहुत ही ज़्यादा उलझे, फ्रिजी, जिनको बोलते ना बहुत ज़्यादा रफ़ हेयर, वैसा है। इनकी लेंथ जो है वो बहुत अच्छी है, हैवी हेयर है इनकी, बट बहुत ही ज़्यादा रफली है, बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी है। बट मैंने इनकी जो कटिंग है इनको मैंने सजेस्ट किया, इन्होंने स्टेप कटिंग बोली थी, बट इनको मैंने बोला आप लेयर्स करा लो, क्योंकि इनकी जो हेयर है ना वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है। वो अजीब सा ही, मतलब जब भी ये हेयर करते हैं, पौनी हाई पौनी करते हैं या फिर जो भी करते हैं, तो वो अजीब सा ही बहुत ज़्यादा रफ़ रफ़ सा लगता है। तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप लेयर्स लो, उसमें क्या होगा कि थोड़े हेयर जाएंगे तो थोड़ा सा जो हेयर की जो हैवीनेस है थोड़ा कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखते जाइए, मैंने यहाँ अच्छे से कॉम कर ली। हेयर कटिंग से पहले हेड वॉश बहुत ज़रूरी है, हेड वॉश हम पहले ही दे देते हैं या फिर क्लाइंट्स वॉश करके आ जाती हैं। तो यहाँ पे फोर सेक्शनिंग करेंगे हम, कटिंग के लिए फोर सेक्शनिंग करेंगे, उसके बाद एक गाइडलाइंस निकालूंगी मैं। और कटिंग की वीडियोज़ मेरे चैनल पर काफ़ी अपलोडेड है, तो प्लीज़ आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर, हर तरह की कटिंग आपको दिखेगी उसमें। और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर जो न्यू है, जो कटिंग से कन्फ्यूज है, आप ऐसे देख के किसी के पर भी आप ट्राई कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डमी के ऊपर आप करो, डमी के ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे मेरे चैनल पे बहुत तरह की कटिंग की है, मैंने स्टेप कटिंग मैंने नहीं डाला है अभी तक, स्टेप कटिंग मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तो सबसे ज़्यादा लेयर्स पसंद आते हैं सबको, एंड जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर हैं उनको स्टेप देना है मुझे, क्योंकि उसमें। तो फ्रंट में मैंने यहाँ पे गाइडलाइन निकाल ली है, क्योंकि लेयर्स कटिंग के लिए मैं फ्रंट में ही गाइडलाइन निकालती हूँ, और ऐसे ही निकालना भी चाहिए जिससे कि आपको इजीली आप कट कर सको। तो सभी के पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है, तो एंड मेरा भी यहाँ पे डिफरेंट ही है, आपको लग सकता है ऐसा कि डिफरेंट है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत ही, इसलिए मैं ये कटिंग कर रही हूँ कि सबको इजीली समझ आए। एंड कटिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है, तो हैवी हेयर में आप कौन सी कटिंग दे सकते हो जिनकी जो हैवीनेस है थोड़ा कम हो जाए। बहुत लोग ना हैवी हेयर को कैरी नहीं कर सकते हैं एंड उनके अच्छे से ख्याल भी नहीं रख सकते, हेयर स्पा वगैरह नहीं लेते, तो वो बहुत ज़्यादा ही रफ़ हो जाता है। तो यहाँ मैंने गाइडलाइन ले कर दोनों साइड मैंने डिवाइड कर दिया, उसके बाद मैंने वहाँ पर सेक्शन, दूसरे साइड सेक्शन कर दिया है, उसके बाद वन साइड में यहाँ पर गाइडलाइंस ले कटिंग इनकी करती जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं एंड लास्ट तक देखिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको कोई और भी वीडियो कटिंग की चेक करनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर भी ज़रूर करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं जितने भी इनके रफ़ हेयर हैं वो मैं निकाल रही हूँ, और जितनी भी गर्ल्स होती हैं, लेडीज़ होती है, उनकी यही रिक्वायरमेंट होती है कि मेरी लेंथ नहीं जानी चाहिए, लेंथ नहीं जानी चाहिए। तो ये जो फ्रंट की कटिंग है इसमें थोड़ा सा लेंथ जाती है, क्योंकि लेयर्स फिर दिखते नहीं हैं। अच्छे लेयर्स दिखने के लिए लेंथ जाती है, एंड जो प्रॉपर टेक्निक है लेयर्स के वो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इनका कहना है कि लेंथ नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, इसलिए उतना अच्छा भी रिजल्ट नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रही हूँ। तो आप यहाँ पे देखते जाइए बस कि यहाँ पे मैं कैसे कर रही हूँ, इनका जो लास्ट का है वो रिज़ल्ट कैसा है। तो यहाँ पे मैं सेक्शन बाय सेक्शन इनकी डिवाइडेड जो है इनकी गाइडलाइन वो मैं ले रही हूँ और कटिंग करते जा रही हूँ, ऐसे ओवरऑल करना है इनका कटिंग। तो अभी मैं फर्स्ट साइड में कर रही हूँ, सेकंड साइड अभी हम जाएंगे, तो पहले फर्स्ट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम लास्ट जाएंगे। और लास्ट का देखते हैं इनका जो लुक है वो कैसा होगा। तो देख सकते हैं फर्स्ट एक साइड, वन साइड कंप्लीट हो गई है, और सेकंड की मैं कर रही हूँ। अब सेकंड की भी वैसे ही करना है जैसे मैंने हमने फर्स्ट वाले साइड में किया, जिस तरह की टेक्निक हमने यूज़ की वैसे दूसरी साइड भी करना है। ओके, तो और लेंथ मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं निकाला है, अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही निकाली है, क्योंकि जैसे उनकी लेंथ जितना उन्होंने बोला होता है कि मेरी लेंथ इतनी जानी चाहिए,
उनके अकॉर्डिंग ही लेंथ में कटिंग करती हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये सेकंड वाले भी सेक्शन कंप्लीट होने वाला है एंड जो फोर्थ सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया। और ये लास्ट का लुक है हेयर कटिंग का। यहाँ मैंने प्रॉपर पूरा ट्यूटोरियल कटिंग की नहीं दी है, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो मैं वीडियो ऐसा बनाऊँगी, बट मैंने पहले भी कटिंग बहुत बार डाली है, बहुत बार समझाया है। अगर कोई न्यू है और कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इनका कितना अच्छा मतलब लुक आया है, कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं एंड हैवीनेस देख सकते हैं आप इनके हेयर की। हैवीनेस अभी भी कहीं भी नहीं गई है, जैसा पहले पहले ज़्यादा रफ़ था, हैवी थे बट बहुत ज़्यादा रफ़ हेयर थे। अभी इसमें आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लो ड्रायर करूँगी, कटिंग की जो लुक है वो ब्लो ड्रायर से ही आएगी। तो हम यहाँ पे ब्लो ड्रायर करेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन इनका ब्लो ड्रायर आउट कर्ल्स करेंगे। उसके बाद आउट कर्ल्स करने के बाद यहाँ पे दिखेगा इनके लेयर्स। ओके, जो हमारे क्लाइंट्स का जो हेड है वो देख सकते हो आप, कभी सीधी रहती है कभी टेढ़ी रहती है। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमें क्लाइंट्स को बार बार बोलना होता है कि आप स्ट्रेट रखो हेड, क्योंकि उससे कटिंग पे भी फ़र्क पड़ जाती है एंड अदरवाइज जो भी काम करते हैं उस पर फ़र्क पड़ जाती है। ओके, तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे ब्लो ड्रायर कंप्लीट करती हूँ एंड मैं आपको लास्ट का लुक दिखाती हूँ, क्योंकि कटिंग एंड ब्लो ड्रायर की वीडियो जा चुकी है और ये थोड़ा हैवी हेयर में कटिंग थी इसीलिए मैंने ये वीडियो शेयर की आप लोगों के साथ। एंड अगर किसी को भी लगता भी है कि इस वीडियो से आपको सीख सकते हो तो बिल्कुल इसको दो बार तीन बार करके आप देख सकते हो, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी टेक्निक के साथ मैं काम करती हूँ कि सबको समझ आए अच्छे से। ओके, तो जल्दी से ब्लो ड्रायर कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो हेयर किट की हैवीनेस दे सकते हो कितना ज़्यादा, और मतलब कटिंग के बाद इनके थिन नहीं हुए हैं, हेयर का जो हैवीनेस होता है वो कम नहीं हुई है बल्कि इनकी और ज़्यादा लग रही है। और कटिंग होने के बाद थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है एंड लेयर्स आप देख सकते हैं जो हमने कटिंग की उनको हम ब्लो ड्रायर कर दिया, तो ब्लो ड्रायर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद क्लाइंट दूर की हैं तो उनको सीरम अप्लाई ज़रूर करना है, और अगर वो कहते हैं कि स्प्रे करना है तो आप स्प्रे भी कर सकते हो, जिससे कि उनके कर्ल्स जो है वो टिका रहे अगर दूर के हैं तो। अगर कहीं भी बोलने में कुछ मिस्टेक हुई हो तो सॉरी, क्योंकि बहुत सारा कुछ यहाँ बोलना होता है, वीडियो पे भी ध्यान देना होता है तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो जाती होगी। तो ये देख सकते हैं इनका लास्ट का इस तरह लुक है। और आपको ये कटिंग कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए अगर कोई न्यू है तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, बाय।